तो सूक्ष्म मृद विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकगणों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय बंधुओं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा आप लोगों को तुरंत ही नया वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा और अब आप हमारे चैनल को सर्वप्रथम देख सकेंगे। आज मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ कि अब मात्र 4 दिन ही बचे हैं, मतलब 2 दिन बीच में हैं, आज कल परसों और चौथे दिन यानी कि शनिवार को 24 जुलाई 2021 को गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। अभी तक जिन हमारे साधकों ने पंजीकरण नहीं कराया है गुरु पूर्णिमा का वो करवा लें और समय पर आने का कष्ट करें। मात्र 25 लोगों को ही गुरु पूर्णिमा शिविर में अनुदानित रूप में यानी कि आधे खर्चे पर उनको दीक्षा और साधना मिल पाएगी, क्योंकि जिन्होंने इस अनुदान को देने का निश्चय किया है उन्होंने केवल 25 लोगों की कैपेसिटी बताई है और वह भी मात्र 23 तारीख की शाम 5 बजे तक जिन लोगों का पंजीकरण हो जाता है मात्र उन लोगों को ही ये सुविधा प्राप्त हो सकेगी, बाकी लोग इसके पात्र नहीं होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ लक्ष्मी के एक भाई की, माता लक्ष्मी, क्योंकि आपको पता है कि समुद्रोत्पन्ना है, समुद्र से उनका प्रादुर्भाव हुआ है और माता लक्ष्मी जैसे प्राप्त हुई है समुद्र से वैसे ही चंद्रमा का भी माना जाता है कि समुद्र से निकला है, तो चंद्रमा भी माता लक्ष्मी का भाई माना जाता है। और इसके साथ ही साथ वही चंद्रमा के साथ में जो शंख जी हैं, शंख यानी कि लक्ष्मी का एक सहोदर शंख भी कहा जाता है, क्योंकि जो शंख है ये समुद्र से उत्पन्न है। मूलतः शंख 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि दक्षिणावर्ती शंख, दक्षिणावर्ती शंख जो होता है दाहिनी ओर से खुलता है, ये बजाया नहीं जाता केवल इसकी पूजा होती है। शंख अगर आधे किलो से ज़्यादा पानी वाला पानी जिसमें आ जाए ऐसा शंख आपको मिल जाए सौभाग्य का सूचक होता है। इस पर माता लक्ष्मी की यदि प्राण प्रतिष्ठा करवा करके इसका पूजन किया जाए वे शंख व्यक्ति के घर में भंडारे भरता है, धन अन्न की कमी कभी नहीं होती। और वामावर्ती शंख जो है बजाने के काम आता है, जो शंख बजाने के काम आता है वह शंख की ध्वनि से कीटाणु मरते हैं सूक्ष्म और भूतादिक उस स्थान को छोड़ करके पलायन कर जाते हैं। यानी कि जहाँ पर शंख का वास है वहाँ लक्ष्मी का वास निश्चित रूप से होता है। सभी को अपने घर में शंख रखना चाहिए और इस समय तो जुलाई माह में ये जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष होता है ये भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, तो ऐसे में भगवान विष्णु की कथा यानी कि सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए सभी को और उसमें खूब आराम से शंख और घड़ियाल बजाना चाहिए। अब बात करते हैं कि शंख के और भी क्या उपयोग है। देखिए शंख का द्राव भी बनता है जो पेट दर्द में काम आता है, महाशंख द्राव आता है,
शंख की भस्म भी बनती है जो कि कई रोगों में उपयुक्त होती है। इसके अलावा शंख के माध्यम से आप नाद ब्रह्मों को पहचान सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नाद ब्रह्म जो सुन लेता है फिर उसका पतन नहीं होता, फिर वो नरक नहीं जाता, वो सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। इतनी महत्ता नाद ब्रह्म की। अब नाद ब्रह्म जल्दी से तो आपको सुनाई ऐसे नहीं देता, तो एक विधि में बताता हूँ। चाहे शंख वामावर्ती हो चाहे शंख दक्षिणावर्ती, आप उसको बस ऐसे कान में लगा लीजिए, दाहिने कान में, आपको ऐसी ध्वनि सुनाई देगी जैसी ध्वनि कभी आपने सुनी नहीं होगी। ऐसी ध्वनि केवल समुद्र में ही पाई जाती है, तो आप समुद्र की ध्वनि को कान में सुने दक्षिण कर्ण में, और उसको सुनते सुनते इसके बाद फिर जब आप नाद ब्रह्म का ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, तो वो चीज़ें सुनाई आपको देने लग जाएंगी। शुरुआत आपको संकट ध्वनि से करना चाहिए, और देखिए आप कितनी मनमोहक ये ध्वनि होती है। किसी रोगी को शंख का जल पिलाने से उसे स्वास्थ्य लाभ होता है। यदि शंख के जल में आप मंत्रोच्चारण कर लें, गायत्री मंत्र, त्र्यंबक मंत्र यानी कि महामृत्युंजय मंत्र, गुरु मंत्र इत्यादि का, शिव मंत्र इत्यादि का, सांगोपांग थोड़ा सा इसमें आप यदि कर लेते हैं मंत्र जप, उस पानी को पिलाते हैं तो रोग ठीक होता है। और इसके साथ ही साथ यदि उस शंख को ही चेहरे पर रगड़ते हैं त्वचा पर, तो चेहरे की त्वचा मुलायम और बढ़िया हो जाती है, चेहरे के दाग धब्बे, मुहासे, कील में भी आराम मिलता है। अब दक्षिणावर्ती शंख जिसमें 500 ml से ज़्यादा पानी आ जाता है, ऐसा शंख लेकर के उसको प्राण प्रतिष्ठित करावे और उसमें माता लक्ष्मी की प्रतीक्षा करे और नित्य प्रति माता लक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ करे, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में शंख निधि का स्वामी होता है। अर्थात शंख की साधना से मिलने वाली वो जो होती है निधि, वो उसको प्राप्त होती है। आप सभी को ये बताना चाहता हूँ मैं, यदि आप शंख निधि का वास्तव में चाहते हैं कि आपके घर में रहे, तो आपको इस पर ही आपको अपने घर में रह करके लक्ष्मी माता की साधना करनी चाहिए। और घर में तो शंख होना चाहिए, क्योंकि भगवान नारायण, माता लक्ष्मी, भगवान शिव इत्यादि को शंख और शंख की ध्वनि अत्यंत ही प्रिय है। भले ही ये शंख एक कीड़े का कंकाल यानी कि उसका घर हो, हड्डी हो उसकी, लेकिन शंख को शास्त्रीय मान्यता प्राप्त है, ये इसकी ध्वनि भूतों को भगाती है, अलक्ष्मी को यानी गरीबी को भगाती है, और शंख ध्वनि अपने आप में विशिष्ट होती है। वेद ध्वनि के समान शंख ध्वनि का भी विशेष महत्व होता है, इसलिए सभी सनातनियों को तो अपने घर में शंख रखना अति अनिवार्य हो जाता है। आप शंख रखें, शंख की पूजा करें, दक्षिणावर्ती शंख में माता लक्ष्मी की प्राण प्रतिष्ठा करवा करके जो साधक माता लक्ष्मी की साधना करेगा उसे माता लक्ष्मी का अभय वरदान प्राप्त होगा। आप सभी को अच्छी अच्छी जानकारियाँ, जनोपयोगी जानकारियाँ होती हैं, मैं देता रहता हूँ। बाकी आप लोग इसका लाभ उठाइए, जितना हो सके आप लाभ उठा करके और दूसरों को भी बतावें। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लगे।
मैं ये समझता हूँ कि मैंने सारी बात आप लोगों को बता दी है, इस संबंध में कोई बात बतानी शेष नहीं है, इसलिए अब मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।